80 भर्ती घोटाले पर प्रेमचंद अग्रवाल ने पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष उन्होंने रखा। रोजगार देने को लेकर हर सरकार ने प्रयास किया। उन्होंने कहा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। 2014 में यूके SSSC बोर्ड में अध्यक्ष समेत सभी नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन आयोग ने आरोपी कंपनी का चयन किया। 21 अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। अवैध संपत्तियों की अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। 2015 से 16 उपनिरीक्षक सीधी भर्ती में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग कोर्ट ने भी नहीं मानी है। एसटीएफ बेहतर काम कर रही है, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा। वीडियो भर्ती मामले में उन्होंने कहा कि कार्रवाई की गई है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रीतम सिंह ने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अवमानना की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। कहा कि अगला ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही होगा। देखिए, भराड़ीसैंण का मुद्दा जो है वो सदन की अवमानना के परिप्रेक्ष्य में मैंने उठाया था। 9 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त तीन दिवस वहां पर मनाए जाते रहे और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी वहां से संचालित की हुई, इसलिए इसको जो है सदन की अवमानना के परिप्रेक्ष्य में उठाया था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, वो दाएं बाएं की करते रहे, लेकिन जो अवमानना का विषय था उस पर सरकार ने कोई बात नहीं की। रूप से सरकार जो भराड़ीसैंण के लिए गंभीर है, और आप जानते हैं मैं तो अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं, जिस प्रकार से हम सबकी भावना गैरसैंण के प्रति रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे उन्होंने उसके लिए घोषणा भी की थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसकी घोषणा हुई थी। लेकिन आज मैंने कहा है एक अगला जो हमारा सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में ही होगा, ये पूरी तरह से मैंने सदन को अवगत कराया और मैं आपके माध्यम से भी पूरे प्रदेश की जनता को एक आश्वस्त कर रहा हूं कि अगला सत्र हमारा भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण में होगा। उत्तराखंड शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पिछले दिनों हमारे पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़ अपनी बातों को विधानसभा में रखने की बात उन्होंने कही थी, वहीं जिस प्रकार आदेश चौहान जो विधायक है उनकी भी यहां पर कोई बात पटल पर रखने को तैयार नहीं है। आदेश चौहान जी के साथ बड़ा कितना जुल्म हो रहा है, कितना दुस्साहस है कि अपराधी सूद को घर में आके धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, से मारने की धमकी देते हैं। FIR दर्ज होती है नवम्बर, आज 3 महीने हो गए FIR के, प्राथमिकी दर्ज के लिए आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, न उसको कोई जांच हुई है। तो सरकार की विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, हमारे हमारे माननीय विधायकों के आवाज को कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे और जो ताकत के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सदन में पुलिस पर